हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर महेश। दोस्तों, जैसे कि आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, मैंने आपको बता दिया था कि आज से नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में। तो ये नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे डेली लगेगा, 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो दोस्तों, इसमें जो हमें छूट मिली हुई है, एक तो हम लोग अपनी गाड़ी चला सकते हैं, ऑटो टैक्सी बसेस ये अलाउ है नाइट में भी। तो नाइट में अगर हमें अपनी गाड़ी चलानी है तो हमें पैसेंजर भी वही लेने होंगे जिनके पास ई पास होगा, और उसके बाद दोस्तों, ई पास ये दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर जाकर आप ई पास जनरेट कर सकते हैं। और ये कैसे जनरेट होगा इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.delhigovernment.com। तो इस पे आप जाएंगे तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये आपको मतलब जनरेट करना है, फिल करना है इसका फॉर्म, उसके बाद आपको ये ई पास मिल जाएगा। उसके दौरान ही आप नाइट में आप कहीं जा सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये दोस्तों, मैंने गूगल ओपन कर लिया है। गूगल में हम यहाँ पर डालेंगे www.delhi.government.in, इस पर क्लिक कर देंगे, ये आ गया है। अब इसका पेज ओपन हो रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का, और इसको ऊपर की तरफ करेंगे हम, और इसमें फर्स्ट कॉलम ही देखिए, क्लिक हेयर टू अप्लाई ई पास फॉर नाइट 10 PM to 5 PM, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये हिंदी और इंग्लिश टू बी कंटिन्यू इंग्लिश, अगर आप हिंदी में करना चाहें हिंदी में कर सकते हैं, मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश पे क्लिक करूँगा। उसके बाद इसको इसमें आप देख ले, इफ़ यू ऑलरेडी सबमिटेड ई पास क्लिक है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसमें ई पास पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके बाद फिर इसे हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसमें लिखा हुआ ई पास इज़ बीइंग इशू फॉर दोज Who are engaged in providing essential, जिनको essential services में जो ज़रूरी वो है, जो काम से निकले उनको, जैसे सामान वगैरह के लोडिंग वगैरह के जिनको जाना है उनके लिए ई पास की ज़रूरत है, तो वो अपना ई पास ले सकते हैं यहाँ से। और आप इसको नीचे करता हूँ मैं, इसमें आपको डालना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना फर्स्ट नाम डालना है, इसमें डिस्ट्रिक्ट डालना है, आपने जहाँ रहते हो वहाँ का एड्रेस आपको फिल करना है, आप क्या सर्विस कर रहे हैं, जॉब क्या कर रहे हैं वहाँ डालना है, और यहाँ पर आपको डेट डालनी है, टिल डेट कब तक का आपको ई पास चाहिए, और ये टाइमिंग रहेगा 10 PM से 5 AM नाइट में, ठीक है। इसके बाद आपको एक अपना आईडी प्रूफ लगाना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या DL जो भी है उसकी आपको फ़ोटो अटैच करनी पड़ेगी। और इसमें आपका अगर आप वर्किंग है कहीं तो वहाँ का विजिटिंग कार्ड या आई कार्ड वगैरह हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो इसमें साफ साफ लिखा है आई एक्नॉलेजमेंट, जो भी आप डिटेल्स दे रहे हैं वो सही है, अगर इनकरेक्ट पाई जाती है तो आपके खिलाफ सेक्शन 177 के उसमें लग जाएगा। तो इसके बाद हम वापस आ जाएंगे, वापस आके यहाँ पर हम क्लिक करेंगे चेक ई पास एप्लीकेशन, जब क्योंकि जब हमने सबमिट किया तो वहाँ से एक नंबर जनरेट हो गया था, 7 डिजिट का वो नंबर होगा, उसको हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से चेक करना है कि क्या स्टेटस है, ई पास बन गया होगा तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, उसको डाउनलोड करके उसको आप उस अपना। तो दोस्तों, आपने देखा ई पास कैसे जनरेट करना है, तो यही प्रोसेस है ई पास का। आपको अच्छे से अपनी जानकारी सारी फिल करनी है और अपना आईडी प्रूफ वगैरह जो भी है इसमें लगता है उसे आपको अटैच करना है। उसके बाद आप इसको स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, स्टेटस में आप दिल्ली गवर्नमेंट की साइड से जो जब आप फॉर्म फिल करोगे उसमें एक नंबर मिल जाएगा, वो नंबर डालने के बाद ही आप अपना ई पास देख सकते हैं कि आपका ई पास बन चुका है, तो आप उसे डाउनलोड करके या अपने मोबाइल में ही उसको रख के दिखा सकते हैं जब भी आपको नाइट में जाना हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।